बनाना बहुत ही आसान है जो बच्चे अपने आप बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्रीम चाहिए होगी, व्हिप्ड क्रीम जो हम लोगों ने बेकरी से लाए हैं, और इसे हम पैकेट है और हम इसमें से क्रीम निकाल के इसको बीट करेंगे और जब तक ये ऐसी नहीं बन जाती तब तक हम इसको बीट करते रहेंगे। और देखिए अब हम इसे उल्टा भी कर देते हैं तब भी ये क्रीम इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। अब हम लोगों ने ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए हैं, ऐसे कॉर्नर्स। अब हम लोग इनको लगाएंगे और उसके लिए बस हमने नीचे क्रीम लगा रखी है जिससे हमारा जो बेस है इसका वो हिले ना, और ऐसे इन पे लगा दूंगी। अब हम लोगों को इस पे चीनी का पानी डालना है। अब हम क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर। अब वो चीज हमें दोबारा फॉलो करनी है, क्रीम लगा ली अब वापस ब्रेड लगा। इसमें हमने ब्राउन और व्हाइट ब्रेड लगाई हैं और हम लोगों ने इसको स्क्वायर शेप में बनाया। आपको जैसा शेप चाहिए आप बना सकते हैं, बस आपको ओवल सर्कल आपको जैसे बनाना है आप उसकी ब्रेड की शेप कट कर सकते हैं। अब हम क्रीम इसके ऊपर लगाएंगे और ये हमने चॉकलेट क्रीम बनाई है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसी व्हाइट क्रीम में हमें चॉकलेट गार्निश ऐड करना है। ये भी नीचे ये चॉकलेट क्रीम है। अब हम इसे पूरा केक इससे पूरा केक कवर करेंगे और इसको बनाने सिंपल है। अब हमने ये चॉकलेट क्रीम से पूरा कवर कर दिया है। अब हम इसे साइड से क्रीम से क्लीन कर देते हैं। अब हम इस केक को गार्निश चॉकलेट गार्निश से डेकोरेट कर देंगे और आप इसको जेम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम इसको फैलाएंगे, स्प्रेड कर देते हैं अब हम इसे, और सिर्फ ऊपर ऊपर की साइड। अब हमें केक को डेकोरेट करना है और इस चॉकलेट को सबसे पहले हम टॉफीज लगा देते हैं। अब हम इस पे चॉकलेट क्रश करके डाल देंगे। अब हमारा ब्रेड केक बनके रेडी हो गया है और ये सबसे इजीएस्ट केक है। ना इसको बेक करना होता है और ना इसमें कोई ज्यादा कुछ करना होगा, बस ब्रेड को ब्रेड के साथ ही केक बन। और अब ये हमारा सॉफ्ट और फ्लफी केक रेडी हो गया है, देखिए कितना सुंदर है। थैंक यू, धन्यवाद।